हेलो व्हाट्सअप गाइस, आपका मेरी एक और न्यू वीडियो के साथ फार्मिंग सिम्युलेटर 16 में स्वागत है। तो गाइस यहां पे आज की वीडियो में हम आपको कराने जा रहे हैं फार्मिंग सिम्युलेटर 16 के टूर। तो गाइस यहां पे टूर की शुरुआत करते हैं। तो गाइस ये जो रास्ता है गाइस, यहां पे अपने फार्म जो है उसके अंदर एंटर होने का जो बैक साइड का रास्ता है, बाकी यहाँ से आगे चलेंगे तो अपने को मिल जाता है गाइस यहाँ पे देखने के लिए एक सेट, जहाँ पे अपने अपनी व्हीकल्स को रख सकते हैं। जो हाँ पे अपना एक हार्वेस्टर जो सबसे पुरानी वाली व्हीकल्स है अपनी, वो खड़ा हुआ है। बाकी गाइस ये जो चीज़ बनी हुई है गाइस, ये अपनी स्टोरेज है, यानी कि गाइस यहाँ पे अपने गाइस वीट, कॉर्न, कैनोला, पटेटो और जो शुगर बीट होती है उसको यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। अपने कुछ नहीं करने का गाइस, यहाँ पे जो भी फसल है उसका टेलर को यहाँ पे लाके खड़ा करने का, उसके आपसे ही गाइस फसल यहाँ पे नीचे चली जाएगी और मशीनरी के थ्रू गाइस यहाँ पे जो फसल है ऊपर यहाँ पे चढ़ जाएगी। और अपने को जब भी ज़रूरत हो तब गाइस यहाँ पे ट्रेलर जो भी मशीनरी के नीचे से, यानी कि अगर अपने पास स्टोरेज में है जो फसल, तो गाइस नीचे ट्रेलर लगाने का और जहाँ बेचने जाने का हो वहाँ पर बेच सकते हैं। बाकी गाइस यहाँ पे आगे देखेंगे तो ये है गाइस, ये जो चीज़ दिख रही है ये है गाइस यहाँ पे अपनी सीड की जो स्टोरेज होती है गाइस, वो है यानी कि जितने भी अपने सीड है गाइस यहाँ पे स्टोर हुए हैं, और अपने को जब भी ज़रूरत हो तो गाइस यहाँ पे अपने जो सीडिंग मशीन है उसको यहाँ पे लाने का, उसको भरने का और सीडिंग का काम शुरू कर देने का। बाकी ये जो हाउस दिख रहा है गाइस, ये अपना नहीं है, ये अंकल का, और अपने इसका ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते। बाकी ये जो चीज़ दिख रही है ये गाइस अपना काउ का फार्म है, कितना ही बड़ा है। वैसे गाइस ये काउ का फार्म नहीं है, काउ का फार्म पीछे, लेकिन गाइस यहाँ पे है बेल स्ट्रोज और जो ग्रास होती है गाइस यहाँ पे, यानी कि उसकी स्टोरेज है। और जो है गाइस यहाँ पे मिल्क भी यहाँ पे ही स्टोर होता है। अपने कुछ नहीं करने का, जो है बेल्स ग्रास या फिर जो होता है स्ट्रो यहाँ पे लाने का, उसका ट्रेलर बंद है, उसका आपसे उतार लेंगे और यहाँ पे अंदर स्टोर कर देंगे। बाकी गाइस अपने स्ट्रो यहाँ पे अगर नाखेंगे तो उससे बनता है गाइस मैन्योर, जो यहाँ पे देख ही सकते हो गाइस ये इकट्ठा हुआ है। और ये मशीनरी जो खड़ी हुई है गाइस सामने, उससे गाइस यहाँ पे जो मैन्योर अपने फार्म में छिड़क सकते हैं। बाकी पीछे दे लेंगे तो गाइस देख लो, ये मिल्क का टैंक खड़ा हुआ है जिसमें अपने मिल्क भर के गाइस जहाँ पे अच्छी प्राइस मिलती है वहाँ पे बेच सकते हैं। बाकी गाइस यहाँ पे मेन जो काऊ का फार्म है वो यहाँ पे देख ही लो गाइस, यहाँ पे अपनी काऊ क्या ही ज़बरदस्त लग रही है। और कम से कम भी गाइस यहाँ पे 12 जितनी जो बोलते गाइस यहाँ पे आराम से काव होगी ही। बाकी गाइस यहाँ पे पीछे लेते अपना जो पिकअप ट्रक है उसको, और यहाँ पे इस साइड पे ये जो जगह दिख रही है ये, यानी कि जो हाउस टाइप का जो थोड़ा वो दिख रहा है गाइस, यहाँ पे जो अपना फर्टिलाइजर है उसको स्टोर करके अपने रख सकते हैं। रख कह सकते हैं यहाँ पे स्टोर होता ही, और सीड का भी ऐसा उसका आपसे ही स्टोर हुआ होता है, बस अपने को पैसे देके ले लेने का होता है। बाकी फर्टिलाइजर भी ऐसा ही है, फर्टिलाइज़र मशीन अपने को यहाँ पे लाने का, फूल करने का, और फर्टिलाइज़र जो फार्म में छिड़कना हो वो काम शुरू कर देने का। बाकी गाइस ये देख लो अपना जो शिप का फार्म है वो, और यहाँ पे 7 जितनी शिप तो यहाँ से अपने को दिख रही है। और यहाँ पे जो है बेल्स लाने का, यहाँ पे नाक देने का, वो अपने बंदे ही उतार देंगे, और मशीन है तो मशीन से ऊपर हो जाएगा, यानी कि मशीन से ही नीचे पूरी स्टोरेज में यानी कि रख दी जाएगी। बाकी यहाँ पे जो अपने बंदे हैं वो यहाँ पे जो शीप है उसको फीडिंग कर देंगे जो बैल से की उसको, और जो वूल निकालने का होता है वो निकाल लेंगे। बाकी ये जो ग्रास का फार्म है वो, ये जो सामने जो फार्म दिख रहा है गाइस वो, और इस साइड पे ये जो फार्म है वो अपने को इस फ्री में 3 फार्म अपने को फ्री में मिल गए। शुरू में देखा ही होगा आपने अपने अंकल के थे, अंकल अब अपने यहाँ पे काम नहीं करते तो अपने को फ्री में मिल गए थे। बाकी गाइस ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है गाइस, ये पूरा अपना जो सेक्शन 1 है उसमें ही काउंट होता है। बाकी सेक्शन 1 में अपने गाइस यहाँ पे 5 जो नॉर्मल फार्म है वो और एक ग्रास का फार्म हुए, और ये देख लो ये भी सेक्शन 1 में ही काउंट होता है फार्म, नॉर्मल फार्म में। बाकी अपने यहाँ से आगे जाते हैं और अपने पहुँच गए गाइस मिल पे, और देख लो ये जो पूरा फार्म दिख रहा है गाइस यहाँ पे आगे वो भी अपना सेक्शन 1 का फार्म है। बाकी मिल पे आए तो मिल ही बता ही देते गाइस क्या ही ज़बरदस्त है कि मिल पे गाइस यहाँ पे मिल्क और वूल के अलावा जितनी भी फसल है अपने उसको यहाँ पे आके बेच सकते हैं। बाकी कितनी बड़ी मिल है वैसे अपना, यानी कि खाली बेचना ही आता और ज़्यादा कुछ मिल से अपना कुछ काम होता नहीं है। तो गाइस यहाँ से अपना जो पिकअप ट्रक है उसको बाहर निकालते हैं, टर्न ले रहे लेफ्ट साइड पे। बाकी इसको थोड़ा कंट्रोल करना हार्ड होता है। बाकी इस साइड पे देख लो ये जो चीज़ दिख रही है गाइस, ये है बेकरी, और काफ़ी ज़्यादा बार अपने यहाँ पे आए भी है जो चीज़ है उसको बेचने के लिए। यहाँ पर वूल के अलावा जो भी चीज़ है, वूल के अलावा सब चीज़ शायद मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है बेच सकते हैं। बाकी
क्या ही ज़बरदस्त यहाँ पे बनी हुई है गाइस, जो बेकरी है वो बाकी कुछ नहीं, ट्रेलर लाने का यहाँ पे नाक देने का। उसके आप से गाइस यहाँ पे सब हो जाता है। बाकी गाइस अब यहाँ से अपना जो पिकअप ट्रक है उसको टर्न लेते हैं इस साइड पे, निकाल रहे अपने पिकअप ट्रक को यहाँ से बाहर। और ये देख लो यहाँ पे इस साइड पे ये जो चीज़ है ये है शो मिल, जहाँ पे यानी कि जो लॉग्स होते हैं यानी कि जो पेड़ अपने कट करते हैं उसके जो लॉग्स होते हैं यानी कि जो लकड़ी होती है उसको यहाँ पे लाके बेच सकते हैं। बाकी गाइस पहले अपनों ने किया भी था और उसके लिए मेरे हिसाब से 6 लाख डॉलर की 3 मशीनरी भी खरीदी थी, और अपने वो जो जो ट्री नट रहे थे उन सबको हटाया था और तब आके बेचा था, क्योंकि ज़्यादा बार अपने यहाँ पे नहीं आए क्योंकि अपनों ने बहुत ज़्यादा पेड़ कट नहीं किए हुए। बाकी यहाँ पे देख लो क्या ही ज़बरदस्त हैगी गाइस, जो अपनी शो मिल हैगी वो वैसे गाइस अपनी नहीं है, अपने यानी कि देखने के लिए अपनी शो मिल नहीं है कि अपने तो बस खाली यहाँ पे जो लकड़ी है उसको बेचने के लिए आते हैं। बाकी गाइस ये जो शेड है गाइस वो अपना नहीं है, बायोगैस प्लांट वालों का आएगा। और बायोगैस प्लांट पे जाने से पहले गाइस यहाँ पे ये देख लो अपने आ गए गाइस जो अपना सेक्शन 6 हैगा वहाँ पे, यानी कि जो अपना लास्ट वाला सेक्शन है वहाँ पे। लास्ट वाले सेक्शन में गाइस ये फार्म और ये फार्म, दो फार्म गाइस यहाँ पे यानी कि जो बोलते हैं गाइस यहाँ पे हैंगे, और ये 3 मशीनरी गाइस ये 2 फार्म पे काम करते हैं। और ज़्यादा अपने कॉर्न की फसल ही उगाते हैं यानी कि जब से अपना पास ये हार्वेस्टर आया तब से। और बाकी इस हार्वेस्टर के एडवांटेज ये कि अपने को गाइस ट्रेलर के लिए अलग से अपने को जो बोलते हैं ना ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हार्वेस्टर के पीछे जो ट्रेलर अटैच हो जाता है तो अपने को ज़्यादा यानी कि दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़ता। बाकी गाइस जो पिकअप ट्रक है उसको यहाँ से आगे की तरफ लेके चलते और अपने निकलते गाइस यहाँ से बायोगैस प्लांट की। और बाकी गाइस यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ना गाइस इस पिकअप में गाइस काफ़ी ज़्यादा स्पीड है कि तो कंट्रोल करना थोड़ा हार्ड है, लेकिन इतना भी नहीं। और अपने पहुँच चुका गाइस जो बायोगैस प्लांट है वहाँ पर, और देख लो गाइस क्या ही ज़बरदस्त यहाँ पे लग रहा है गाइस, पूरे 3 डोम टाइप है और यही मेन चीज़ यहाँ पे यानी कि जो काम है स्लरी का वो होता है। बाकी देख लो यहाँ पे ये जो अपने लास्ट बारी में ये मशीनरी खरीदी थी जो है गाइस फर्टिलाइजर स्प्रेडर, और उसके आगे अपने अटैच किया हुआ है गाइस यहाँ पे जेसीबी का ट्रैक्टर, और गाइस यहाँ पे जो रेड वाली फर्टिलाइजर स्प्रेडर मशीन उसके आगे भी उसने अटैच किया है गाइस रेड वाला ही ट्रैक्टर। बाकी क्या ही कलर का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है गाइस दोनों मशीन और ट्रैक्टर में। बाकी गाइस ये कैसे काम करती है गाइस, यहाँ पे अपनी ग्रास या फिर स्ट्रो हो गई उसको लाने का उससे ट्रैक्टर यानी कि जो लोडिंग वेगन होता है उससे उठा सकते हैं जो ग्रास और स्ट्रो है उसको गाइस वो यहाँ पे लाने का, खाली कर देने का। और देख लो थोड़ी बहुत जो ग्रास और स्ट्रो ऐसे पड़ी हुई है इससे क्या होता है जो अपने लाए ग्रास या स्ट्रो उससे थोड़ा बहुत यहाँ पे स्लरी बन जाती है ये, और उस जो बचे हुआ होता है थोड़े बहुत के अपने को पैसे मिल जाते हैं। और जो स्लरी है वो ही अपना फर्टिलाइज़र होता है जो ये जो मशीन है उसमें फुल हो जाता है और फिर अपने फार्म में यानी कि छिड़क सकते हैं। बस इतना ही काम है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन प्रोसेस होने में यानी कि जो अभी तो गाइस फुल नहीं है गाइस यहाँ पे, लेकिन गाइस यहाँ पे अगर फुल हो जाते तीनों के तीनों गाइस यहाँ पे जो अपने बोलते हैं सिलो, तब अपने को थोड़ी बहुत दिक्कत आती है क्योंकि गाइस वो जो कचरा होता है गाइस वो हटाने में थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा है। बाकी गाइस अपने एंटर हो गए गाइस जो अपना सेक्शन 5 है वहाँ पर, और सेक्शन 5 में गाइस एक तो ये वाला फार्म और एक ये वाला फार्म गाइज यहाँ पे आता आएगा। बाकी गाइज ये जो पूरा एरिया उस साइड पे दिख रहा है गाइज वहाँ पे मैं बता ही देता हूँ क्योंकि गाइज यहाँ से देख नहीं रहा था बराबर गाइज इसीलिए। बाकी ये जो पूरा एरिया गाइज ये अपना नहीं है, देख लो गाइज ये कुछ दूसरे बंदे का आएगा ये, लेकिन ये अपना नहीं है। अपना वैसा होता है यूज़ करे तो कोई बोलने वाला तो है नहीं, लेकिन गाइज अपने यानी कि सेक्शन 5 उसमें इतनी मशीनरी भी नहीं है। दिखाई देता हूँ गाइज कितनी मशीनरी है अपने सेक्शन 5 में। बाकी ये जो सेक्शन 5 में जो फार्म है गाइस काफ़ी ज़्यादा बड़े यानी कि सबसे बड़ा फार्म जो है सेक्शन 5 में ये का, और मेरे हिसाब से 18 लाख डॉलर देके अभी अपने इसको खरीदा था गाइस ये जो इतना फार्म दिख रहा है उसको। बाकी सेक्शन 5 में देख लो ये जो 4 मशीनरी है उसका यूज़ होता है, और येल्लो वाला हार्वेस्टर ही गाइस अपने यहाँ पे यूज़ करते हैं। बाकी सेक्शन 5 जो है इससे बाहर निकलेंगे तो गाइस अपने को सामने की तरफ मिल जाते हैं देखने के लिए ट्रेन स्टेशन, जहाँ पे अपने काफ़ी ज़्यादा बार गाइस यहाँ पे अपनी जो फसल है उसको बेचने के लिए आए हैं। यहाँ पे शायद एक मिल्क के अलावा जितनी भी फसल है या शायद एक मिल्क भी बेच ही सकते हैं, मेरे को इतना याद नहीं है क्योंकि गाइस अपने ज़्यादा बंदे को ही हायर करते हैं। बाकी अब यहाँ पे ये जो ग्रास वाला जो फार्म है ये भी गाइस जो अपना सेक्शन 5 है उसमें ही यानी कि आता है। बाकी देख ही लो क्या ही ज़बरदस्त लग रहा है गाइस, यहाँ पे ट्रेन स्टेशन है वो। बाकी पिकअप को गाइस यहाँ पे रेस देते हैं
और अब गाइज यहाँ पे अपने जा रहे गाइज जो स्पिनरी है यहाँ पे, और स्पिनरी पे गाइज ज़्यादातर वूल ही बिकता है। वो ज़्यादातर क्या गाइज यहाँ पे वूल ही अपने बेच सकते हैं। बाकी गाइज स्पिनरी मेरे हिसाब से गाइज ये जो कपड़े होते हैं गाइज वो बनते हैं यहाँ पे। बाकी रुक जाओ, यहाँ पे पिकअप को मैं थोड़ा यहाँ से बाहर ले रहा हूँ, और अब देखते हैं गाइज यहाँ पे, क्योंकि गाइज काफ़ी ही ज़्यादा बड़ी है कि गाइज ये जो स्पिनरी है देख लो कितनी बड़ी है कि इतना दूर पिकअप को लेके आ गया, तब भी गाइज यहाँ पे पूरा यानी कि बाहर लेके आना पड़ा, तब पूरा दिखा यानी कि दिखा। बाकी गाइज यहाँ पे मतलब वूल की सबसे ज़्यादा प्राइस, जितने भी फसल उगती है या फिर मिल्क होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्राइस अपने को मिलती है वो वूल की ही मिलती है। बाकी गाइज यहाँ से अपने टर्न लेते हैं राइट, और यहाँ पे अपने को देखने के लिए मिल जाता है फ्यूल स्टेशन। कितने ही ज़्यादा पंप है देख ही सकते हो गाइज यहाँ पे, और फ्यूल स्टेशन के बाजू में गाइज ये जो पूरा एरिया है गाइज, ये जो पूरा एरिया और वो जो शॉप टाइप दिख रहा है गाइज वो है गाइज यहाँ पे शॉप है, और ये जो पूरा एरिया है शॉप की पार्किंग, यानी अपने जो भी व्हीकल खरीदते डायरेक्ट यहाँ पे ही आएंगे, जैसे यहाँ पे ही खड़े हो जाएंगे। बाकी गाइज यहाँ पे काफ़ी बढ़िया तरीके से यानी कि फ्यूल स्टेशन बनाया है, क्योंकि अपने कोई न्यू मशीन खरीदी तो गाइज उसमें फ्यूल पुराने के लिए बाजू में फ्यूल स्टेशन हैगा। और भाई यहाँ पे अब अपना जो पिकअप ट्रक है उसको आगे की तरफ लेके चल रहे। बाकी ये सिटी एरिया ही बोल सकते हो, छोटा सा टाउन टाइप का एरिया इस साइड पे बना हुआ है, और अपने जहाँ पे बेकरी पे गए थे वहाँ पे दिखाने के लिए वहाँ पे भी छोटा सा टाउन एरिया बना हुआ था। बाकी गाइज यहाँ पे अपने पहुँच चुके जो इन है वहाँ पे, यहाँ पे भी गाइज जो अपनी फसल है उसको बेच सकते हो, और ज़्यादा कुछ नहीं मेरे हिसाब से, खाली यहाँ पे वूल को अपने नहीं बेच सकते, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यानी कि मोस्टली ज़्यादा हाई प्राइस यहाँ पे ही अपने को मिल जाती है। बाकी अब यहाँ पे अपना जो है यानी कि पिकअप ट्रक उसको लेके अपने पहुँच चुके हैं गाइस जो अपना सेक्शन 4 है वहाँ पे, और सेक्शन 4 में ये देख लो ये जो जो मशीनरी इनका अपने यूज़ करते हैं सेक्शन 4 में, और सबसे बड़ा जो कल्टीवेटर है उसका भी यूज़ अपने सेक्शन 4 में करते हैं। बाकी ये जो 3 फार्म दिख ही रहे इजीली वो गाइस सेक्शन 4 में गाइस यहाँ पे समावेश होते हैं। बाकी गाइस यहाँ से टर्न लेते हैं, और ये देख लो अपना वेंडर हो चुका है गाइज, जो अपना सेक्शन 3 है वहाँ पे, सेक्शन 3 में ये जो चीज़ है गाइज ये मशीनरी इनका अपने यूज़ करते हैं, जैसे पोटैटो की हार्वेस्टिंग मशीन और पोटैटो की सीडिंग मशीन। बाकी तो सिंपल जो कल्टीवेटर और जो होता है गाइज ट्रेलर वही है, और ये 2 फार्म, एक ये वो और एक ये वाला फार्म, ये गाइज यहाँ पे सेक्शन 3 जो है उसमें यानी कि सेक्शन 3 में समावेश होता है। बाकी अब अपने आ गए सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 में भी गाइज ये जो 2 फार्म है वो है, और 2 ग्रास के फार्म है। ग्रास का फार्म अभी अपने उस साइड पर जाएंगे तब बताऊँगा, और एक ग्रास का फार्म तो गाइज यहाँ से दिख रहा है। बाकी देख लो ये जो मशीनरी है 4 क्या ही ज़बरदस्त यहाँ पे लुक आ रहा है गाइज इनका। गाइज अपने यूज सेक्शन जो अपना 2 है उसमें करते हैं ये, यानी कि जो हार्वेस्टिंग या सीडिंग के लिए। बाकी ये जो ग्रास का फार्म है इसका भी यानी कि इसके अंदर ही आता है, सेक्शन 2 के अंदर ही आता है ग्रास का फार्म भी। बाकी गाइज सेक्शन 2 में देख लो यहाँ पे गाइज जो शुगर बीट है उसकी बस हार्वेस्टिंग की मशीन अलग है, कि बाकी सीडिंग कल्टिवेटर और जो है गाइज ट्रेलर सब एक ही है, कोई उसमें फ़र्क नहीं है। बाकी हाथ अपने जो अपना पिकअप ट्रक है उसको अब लेके पहुँच चुके हैं गाइज, ये जो है हार्बोर यहाँ पे भी गाइज यहाँ पे ये एग्जिट है, लेकिन यहाँ पे भी कोई व्हीकल नहीं थी तो अपने पहुँच गए। बाकी देख लो कितना ही बड़ा गाइज यहाँ पे हार्बोर है, और अपने यहाँ पे हार्बोर पे हर चीज़ यानी कि हर ही चीज़ मेरे हिसाब से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मिल्क हो गया, वूल हो गया, कैनोला, कॉर्न, व्हीट, शुगर बीट या पोटैटो, जितनी भी चीज़ें उन सबको गाइज यहाँ पे अपने ला के एक्सपोर्ट कर सकते हैं यानी कि बेच सकते हैं। बाकी कितना ही बड़ा गाइज यहाँ पे हार्बोर है गाइज, यहाँ से जो अपना पिकअप ट्रक है उसको ले के निकलते हैं गाइज यहाँ पे आगे की तरफ, और आगे की तरफ गाइज जैसे ही पहुँचते हैं अपने को देखने के लिए मिल जाता है गाइज ये जो ग्रास वाला फार्म है वो, और ये जो ग्रास वाला फार्म मैंने बोला गाइज सेक्शन 2 में ही गाइज यहाँ पे इसका समावेश होता है, यानी कि सेक्शन 2 के अंदर अपने इसको गिनते हैं। बाकी गाइज ग्रास का फार्म छोड़ अपने पहुंच चुके हैं गाइज यहाँ पे जो फ्यूल स्टेशन है वहाँ पे, और इसको लास्ट बार आपने देखा ही होगा, मतलब लास्ट बार क्या ही क्रेजी सा सीन हुआ था जब अपने गाइज यहाँ पे जितनी भी मशीनरी जितने भी टूल्स है गाइज उन सब को गाइज यहाँ पे अपने वॉश कराने ले गए थे। बाकी गाइज ये अच्छा है, इससे पहले वाले जो मैंने फ्यूल स्टेशन बताया उसमें गाइज वॉशिंग की जो सुविधा थी उसमें नहीं थी, लेकिन इसमें है जो काफ़ी ही ज़्यादा बढ़िया है। कि बाकी गाइज यहाँ पे
क्या ही जबरदस्त कलर मैच कर रहा है गाइस। जो अपना पिकअप ट्रक है उसका जो फ्यूल स्टेशन है उसका गाइस यहाँ पे देख लो गाइस, जो अपना पिकअप ट्रक है गाइस उसको भी अपने वॉश करा लिया है। और गाइस यहाँ से अपने निकलने तो गाइस ये जो रास्ता जा रहा है बैक साइड पे यानी कि निकलने का रास्ता बोल सकते हैं, कुछ व्हीकल्स यहाँ से भी आती है यानी कि समझ लो रॉन्ग रास्ता ही ले जाएंगे। क्योंकि गाइस मेन जो रास्ता है गाइस ये हैगा और वहाँ से घूम के जाने का और यहाँ से निकलने का हैगा। बाकी गाइस वो पिकअप ट्रक है उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है तो मेरे को थोड़ी बहुत कंट्रोल करने में दिक्कत आ रही है लेकिन इतनी भी नहीं। बाकी यहाँ पे देखिए वॉश कराने के बाद पिकअप ट्रक क्या ही चमक रहा है। बाकी इसको थोड़ा कंट्रोल करने में यानी कि हार्ड हो रहा है क्योंकि इतनी स्पीड में उन्होंने कोई भी व्हीकल ज़्यादा नहीं चलाई इसीलिए। बाकी देख लो क्या ही ज़बरदस्त यहाँ पे धूल उड़ाते हुए गाइस यहाँ पे अपने फिर से आ गए गाइस जो अपना मेन फार्म है वहाँ पे यानी कि जो अपना सेक्शन वन है वहाँ पे यहाँ से लेते टर्न और इस साइड पे देख लो गाइस मतलब मैं क्या ही बोलूँ गाइस जितने भी व्हीकल्स जितने भी टूल्स जितने भी मशीनरी है उन सब को गाइस अपनों ने अपना जो फार्म है वहाँ पे इकट्ठा कर लिया है। बाकी गाइस ये जो है गाइस सबसे पहले वाला सबसे यानी कि जूना मॉडल भी बोल सकते हैं ट्रैक्टर का वो है और ये अपने पास पाँच थे और अपने ने एक दो दिन पहले ही पाँच में से एक को बेच दिया। ये जो पिकअप ट्रक के साथ इन्होंने यानी कि जो मैंने और मशीन खरीदनी थी तब बाकी गाइस यहाँ पे उसके ऊपर वाला मॉडल गाइस ये जो तीन ट्रैक्टर दिख रहे हैं वो है उससे ऊपर अपने जाएंगे तो गाइस ये जो रेड वाला है वो इससे ऊपर वाला यानी कि जिगजैग स्टाइल में गाइस यहाँ पे मैंने जमाए हुए। बाकी ये जो सामने दिख रहे तीन ये जो रेड कलर के उससे ऊपर वाले ये तीन मॉडल लेंगे ये वाले रेड। बाकी आगे चलेंगे तो अपने को देखने के लिए मिल जाता है गाइस जो लैम्बोर्गिनी के तीन ट्रैक्टर और यहाँ पे न्यू हॉलैंड के जो दिख रहे गाइस जो ब्लू कलर के तीन ट्रैक्टर ये न्यू हॉलैंड के हैंगे और ये भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा वाला लुक दे रहे हैं। वैसे गाइस यहाँ पर उसके सामने देखेंगे तो JCB के तीन ट्रैक्टर बाकी क्या ही ज़बरदस्त यहाँ पे बल्कि लुक सबसे ज़्यादा जो आ रहे गाइस JCB के जो तीन ट्रैक्टर है उनका ही आ रहा है। बाकी JCB के ऊपर वाले जो ट्रैक्टर है गाइस ये रेड वाले तीन हैंगे। बाकी सबको गाइस देख लो क्या ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। बाकी ज़्यादातर ट्रैक्टर का लुक मेरे हिसाब से बढ़िया ही हैंगे लेकिन सबसे बड़ी साइज़ मेरे को अभी तक जो लगी है गाइस यहाँ पे वो जो अपना रेड वाला है गाइस उसकी हैगी और उससे कम यानी कि जैसे जैसे प्राइस हैगी वैसे वैसे सबकी साइज़ धीमे धीमे कम ज़्यादा होती ही जाती है। बाकी सभी ही ट्रैक्टर के यानी कि जो लुक है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बस खाली ये जो है गाइस ये चार ट्रैक्टर इनके लुक अच्छे नहीं लग रहे लेकिन प्राइस के हिसाब से इनके भी जो लुक है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बाकी देख लो यहाँ पे तो अपने जितने ट्रैक्टर्स हैंगे उनको गाइस यहाँ पे जमाया है। यहाँ पे तो खाली 25 तो अपने पास ट्रैक्टर्स ही हैंगे। बाकी जो आगे जो मशीनरी है उसको देखने के लिए चलते हैं। ट्रैक्टर तो अभी उन्होंने देख ही लिया। बाकी गाइस यहाँ पे अपने एंडर होते हैं जो अपना फार्म है वहाँ पे तो ये देख लो ट्रक देखने के लिए मिल जाता है। बाकी इस साइड पे यानी कि देख लो राइट साइड पे जो छोटी मोटी जो मशीनरी थी जो सिंगल सिंगल थी उन सबको उन्होंने ऐसे जमा दिया जैसे स्टम्प कटर फर्टिलाइज़र मशीन डोली फिर गाइस मिल का टैंक फर्टिलाइजर स्प्रेडर का टैंक फिर गाइस यहाँ पे जो है बेल्स बनाती है गाइस वो मशीन यानी कि जो बेलर मशीन होती है वो फिर गाइस यहाँ पे ग्रास कटर फिर फर्टिलाइजर स्प्रेडर का टैंक बड़ा वाला और गाइस यहाँ विंडोर। बाकी गाइस यहाँ पे अपने इस साइड पे चलेंगे तो गाइस यहाँ पे जो मैन्योर स्प्रेडर हैंगे यानी कि फर्टिलाइजर स्प्रेडर ही हैंगे उसकी दो मशीन देखने के लिए मिल जाती है। बाकी उससे आगे जाएंगे तो गाइस यहाँ पे ग्रास या फिर जो स्ट्रॉ होती है गाइस उसको उठाने की जो मशीन होती है वो यानी कि जो लोडिंग वैगन है कि गाइस उसकी दो यहाँ पे अपने को मशीन देखने के लिए मिल जाती है। बाकी यहाँ से अपने आगे चलेंगे तो अपने जितने भी ट्रेलर हैंगे वो देखने के लिए मिल जाते हैं यानी कि देख ही सकते हो कितने ज़्यादा अपने पास ट्रेलर्स हैंगे। और सबसे लास्ट वाला जो ट्रेलर है गाइस वो यहाँ पे जो है ट्रक के पीछे अटैच करते तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ही रहता है। बाकी गाइस यहाँ पे इसको डोली के साथ भी अटैच करके ट्रैक्टर या फिर ये जो अपना पिकअप ट्रक है उससे यानी कि खींच सकते हैं। बाकी अपने पास देख ही लो गाइस यहाँ पे साथ जितने तो ट्रेलर हैंगे। बाकी उससे आगे जाएंगे तो इस साइड पे देख लो जितने भी अपने कल्टीवेटर हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी सबको गाइस यहाँ पे लाइन से ही जमा है मॉडल वाइज यानी कि सबसे छोटा मॉडल फिर उससे ऊपर फिर उससे ऊपर यानी कि सबसे बड़े जो कल्टीवेटर है गाइस दिख रहे होंगे ये तीन लेकिन ये जो ब्लू वाले जब खुलते हैं गाइस
तो गाइस 12 फुट जितना एक ही बारी में एरिया कवर करते और अपने पास देख ही सकते हो, और 6 जितने यानी कि कल्टीवेटर रहेंगे क्योंकि 6 सेक्शन अपने पास है, इसीलिए बाकी वहाँ से आगे निकलेंगे अपने। तो देख लो जो अपनी है यानी कि जो सीडिंग मशीन है वो 500 सिंपल जो सीडिंग मशीन होती है वो, और एक सीडिंग मशीन अलग है क्योंकि गाइस वो है पोटैटो की सीडिंग मशीन, और पोटैटो की सीडिंग के लिए अपने को अलग से सीडिंग मशीन खरीदनी पड़ती है कि मतलब उसकी सीडिंग मशीन अलग आती है, इसीलिए यानी कि 6 सीडिंग मशीन है कि 6 सेक्शन है, इसीलिए बाकी और अपने यहाँ से आगे निकलेंगे। तो अपने को यहाँ पे गाइस ये मिल जाता है गाइस जो बेलर जो होता है गाइस, जो है बेल्स होते हैं उसको उठाने वाली मशीन यानी कि बेलर टूल ही इसका नाम हैगा। बाकी उसके बाजू में अपना जो वूल होता है उसको डिलीवरी देने के लिए अपना जो ट्रेलर का यूज़ करते हैं वो, यानी कि अपने इसके ऊपर वूल रख के कहीं पे भी जहाँ पे अपने को ले जाना हो यानी कि बेचना है वहाँ पे ले जा सकते हैं। बाकी ये जो मशीन है यानी कि जो हार्वेस्टर दिख रहा है ये अपना फर्स्ट व्हीकल बोले तो भी यानी कि कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जब अपने ने गेम शुरू की थी तब सबसे पहला जो अपना व्हीकल था वो यही था। बाकी क्या ही ज़बरदस्त चमक रहा है। उसके बाद गाइस अपनों ने ये रेड वाला जो हार्वेस्टर है उसको खरीदा, उसके बाद ये जो है गाइस येलो उसको खरीदा, और आखिर में गाइस ये जो चीज़ है यानी कि चाफ कटर ही अपने बोलेंगे, चाफ का ही हार्वेस्टर, वैसे कौन का हार्वेस्टर आता है लेकिन कौन इससे नहीं निकलते, इससे चाफ ही निकलती है। बाकी गाइस देख लो क्या ही ज़बरदस्त लुक दे रहे गाइस अपने हार्वेस्टर, और क्या ही ज़बरदस्त चमक रहे, और चमकेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि गाइस यहाँ पे जब मैं मशीनरी सेट कर रहा था तो सबको वॉश करा करा के ही लेके आया हूँ, इसीलिए बैलेंस भी अपना थोड़ा कम हुआ है। बाकी गाइस यहाँ पे वो तो हार्वेस्टर देख लिया, लेकिन ये है 2 हार्वेस्टर मशीन जो है सुगर बीट और पोटैटो की हार्वेस्टिंग मशीन। पहली जो दिख रही है गाइस वो है पोटैटो की हार्वेस्टिंग मशीन, और उसके बाद में यहाँ पे जो सुगर बीट को हार्वेस्ट करने के लिए जो मशीन का यूज करते वो है। बाकी इसको अपने पिकअप के पीछे भी अटैच कर सकते हैं, मैंने अटैच करके देखा नहीं है लेकिन शायद तक कर ही सकते होंगे, बाकी ट्रैक्टर के पीछे तो आराम से अटैच कर सकते हैं। बाकी इससे आगे चलेंगे अपने को तो बफेलो और स्कॉर्पियन किंग यानी कि गाइस जो अपने लॉग्स होते हैं यानी कि सिंपल से पेड़ काटने की जो मशीन होती है वो 2 ही की है, और उसके आगे देखेंगे तो दिख जाता है अपने को गाइस जो ट्रेलर है वो, जिसको अपने ये जो ट्रक दिख रहा है उसके साथ अटैच कर सकते हैं, और वो जो लास्ट में ट्रेलर दिख रहा है उसको भी गाइस ट्रक के साथ अटैच कर सकते हैं। बाकी गाइस पेड़ काटने के लिए स्कॉर्पियन किंग, बफेलो और ये जो स्टम्प कटर है, इन 3 मशीनरी का यूज़ होता है जो काफ़ी ज़्यादा अपने को महंगी पड़ गई थी। बाकी गाइस यहाँ पे जितनी भी मशीनरी खरीदने की थी गाइस उन सबको खरीद ही लिया है, शायद ही मेरे हिसाब से कोई मशीनरी बची होगी, और गाइस इससे आगे अपने मशीनरी खरीद भी नहीं सकते यानी कि गाइस यहाँ पे 75 जितनी जो मशीनरी अपने खरीद सकते हैं, जो अपने पास आराम से गाइस देख के यहाँ पे आपको पता लग ही होगा कितनी ज़्यादा मशीनरी अपने पास है। और अपने गाइस यहाँ पे अभी एक भी मशीनरी नहीं खरीद सकते हैं, और लास्ट मशीनरी जो अपनी थी ये जो दिख रहा है गाइस फर्टिलाइजर स्प्रेडर रेड वाला यानी कि जो मैन्योर स्प्रेडर है वो उन्होंने खरीदा था, और उससे पहले गाइस ये जो अपना पिकअप ट्रक है उसको। बाकी गाइस यहाँ पे क्या ही ज़बरदस्त यहाँ पे लग ही रही है, देख लो एक और बार गाइस मैं बता ही दे रहा हूँ, क्योंकि गाइस पहली ही बार मेरे हिसाब से गाइस यहाँ पे अपनी जितनी भी मशीनरी भेजी हुई है बाकी एक बार हुई थी लेकिन ऐसे सेट की हुई नहीं थी, क्योंकि गाइस जब अपनों ने जितने भी मशीनरी वॉश कराने के लेके आए थे तब गाइस यहाँ पे अपनों ने यानी क्या ही चीज़ हुआ था, मशीनरी तो सब आई थी लेकिन गाइस क्या ही तगड़ा ट्रैफिक जाम हुआ था। बाकी मशीनरी देख ही लो कितनी ही ज़्यादा मशीनरी, क्या ही ज़बरदस्त यहाँ पे चमक रही है क्योंकि सबको भी अपनों ने वॉश कराया है। बाकी ट्रैक्टर्स जो है अपने क्या ही ज़बरदस्त यहाँ से ही देख लो क्या ही ज़बरदस्त लुक दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई मार्केट भरा हुआ है और अपने गाइस ये बेचने के लिए गाइस यहाँ पे आए हुए हैं। बाकी यहाँ पे गाइस जितना भी था यानी कि जितनी भी मशीनरी खरीदने का काम था, जितनी भी चीज़ को दिखाने का काम था वो सब अपना हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे इस वीडियो और इस सीरीज़ को गाइस यहीं पे समाप्त करते हैं।